दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये क्रेशर है और आप देख रहे होंगे, देखो इतना बड़ा इंजन है सामने जो लग रहा है। भैया कौन सा इंजन है, कौन सा इंजन बोलते हैं इसको? इंग्लैंड का बना। अच्छा इंग्लैंड का बना हुआ है। अच्छा जी, तो ये घंटे में कितना तेल ले लेता होगा? 26 लीटर। भैया ने बताया 26 लीटर तेल लेता है घंटे में। और कितना गन्ना पेल देवा है घंटे में? 80 कुंटल गन्ना बताया भैया ने, एक घंटे में 80 कुंटल गन्ना ये पेल देता है। ये देखो कितना बड़ा इंजन है। तेल का कहाँ से है भैया कनेक्शन? तेल का टैंक कहाँ है इसका? अच्छा ये है, ये तेल का टैंक है भाई। देखो और इधर ये बैलर जो रखे इसमें तो आ रहा होगा तेल। ये जो इधर बैलर रखे हैं भाई, मैं दिखा देता हूँ आप एक बार आपको करीब जाके। ये देखो ये जो बैलर रखे हैं, इन बैलर से ये इधर देखो इन्होंने पाइप डाल रखा है इसमें, जो सा भी बैलर खाली हो जाता है उसमें से निकाल कर फिर भरे हुए बैलर में इसको डाल देते हैं। और ये ऊपर चढ़ता रहता है, उसमें मोटर लगा हुआ है देखो, वो मोटर खींचता रहता है। देखो उधर ये मोटर रखा है, आपको दिख रहा होगा जो ये छतरी सी बनी हुई है ऊपर से, ये बिजली से भी चलता है। और मैं अभी आपको क्रेशिंग दिखाऊंगा इसकी, क्रेशिंग कैसा होती है। ये यहाँ पर क्रेशिंग हो रही है देखो, इसमें गन्ने की पुली को डालते जाते हैं। ये चैन चल रही है देखो, चूने को काट दिया जा रहा है। ये देखो भाइयों किस तरह से क्रेशिंग होती है। बिल्कुल उचका देता है गन्ने को, कितना तगड़ा ये लगेगा। सारा रस देखो इधर से भी आ रहा है इधर का रस, और ये यहाँ से सारा इधर को जाके इधर जा रहा है, उसमें नीचे से फिर उधर जा रहा है। दिखाऊंगा अभी मैं आपको भी कुछ। ये देखो इस तरह से चैन चल रही है, और ये पट्टा है, इस पट्टे के द्वारा ये देखो खोई किस तरह से ऊपर से आती है, इस पर डलती है पट्टे पे, और इस पट्टे पे देखो इधर से जाती हुई, फिर इधर से जाने के बाद में यहाँ पे इन्होंने जो है इसको वहाँ डालने के लिए ये कुकली लगा रखी है। कुकली में देखो ये चारों तरफ दो साइड तीन है, और ये दो साइड में पड़ते हैं, देखो किस तरह से कोई जाती है देख रहे होंगे आप। तो भाइयों ये आपने देखा, देखो किस तरह से गन्ने की क्रेशिंग हो रही है।
80 कुंटल गन्ना एक घंटे में वो क्रेशिंग हो जाती है, कर देता है। और 26 लीटर तेल भैया ने बताया ले लेते हैं। अब मैं आपको दूसरी साइड दिखाऊंगा एक बार, ये रस कहाँ से कहाँ को जा रहा है। उधर से देखो ये रस इधर आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ से ये कनेक्शन कर रखे हैं। देखो यहाँ से ये इन्होंने गेट वाल लगा रखे हैं दोनों साइड में। इस वाला इस बारी उधर जा रहा भाई, और ये वाला इस बारी जा रहा है। तो ये इधर से जाता हुआ, ये इनका मोटर है यहाँ पे, इस मोटर से चलता है करीब। ये उधर जाता हुआ मैं दिखाता हूँ एक बार आपको थोड़ा सा। ये देखो यहाँ पे उधर से ये पाइप लाइन आ रही है रस की, और इधर ये भट्टी में, यहाँ ये भट्टी है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार कितनी भट्टी का कलेसर है। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, ये लगभग 10 भट्टी का कलेसर है भाइयों। ये देखो ये लगे हुए हैं सभी अपने अपने काम पे, अपनी अपनी भट्टी पे लगे हुए हैं सब गुड़ बनाने के लिए। देखो सभी भट्टी वाले जो है पका हुआ अपनी अपनी भट्टी पर लगे हुए हैं गुड़ बनाने के लिए। देखो कितना तेज प्रेशर है रस का, ये खुल रहा है देखो। ये देखो तो आप क्यों बैठे भैया, आप क्यों नहीं बना रहे गुड भाई? बनाओगे? चाशनी निकाल ली है। अच्छा चाशनी निकाल ली अभी। ये देखो इन्होंने चाशनी निकाल दी, इतना यार ठंडी होगी, ठंडे होने के बाद में इधर ये पकने लग रही दूसरी, फिर उसको निकाल लेंगे। ठीक है इतना आराम कर लें और क्या। ठीक है भैया। भाइयों आप देख रहे होंगे, देखो ये 10 भट्टियों का क्रेशर है। मैंने आपको इनकी सब भट्टियों की जो है चिमनी दिखा दी आपको, और ये सब अलग अलग भट्टियों के सब गुड़ के गोदाम है पीछे जो बने हुए, देख रहे होंगे आप। इधर इन्होंने जो है समरसेबल कर रखा है पानी के लिए, ये लगा हुआ है यहाँ पे, ये होती बड़ी हुई है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।